हाँ जी, किदा सारे ठीक ठाक हो? पिछली वीडियो च दसिया गया सी कंप्रेसर की पंपिंग किदा चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो च दसिया जाऊगा कि कंप्रेसर दे विच ते उहदी एक्सेसरी दे विच किहड़े किहड़े पार्ट हुंदे आ। तो आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर तुहानूं दसिया जाए। सब तो नंबर पहले आ जाइए फिल्टर ड्रायर, साइड ग्लास एंड सॉल्व वाल। एक कोयल अलग होंदी आ, वाल अलग मिलता हुंदा, ते उत्थे कई बंदे प्रॉब्लम दे विच पै जांदे, उह कहिंदे सानूं साउंड वाल दे दो, इदां दो करो, तां करके कन्फ्यूजन हो जांदी आ। ते आ अपना हैगा एल पी एच पी, इहदा काम हुंदा वा जे डिस्चार्ज जां सैक्शन घटे वधे तां इहने बंद कर देना। कंप्रैसर की सेफ्टी लिए हुंदा वा कि कंप्रैसर की वाइंडिंग दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे। ते उह एक पिछे लगा हुंदा अपना ऑयल प्रैशर स्विच, ऑयल प्रेशर स्विच हुंदा वा। जे बाई चांस साढ़े कंप्रैसर ने ऑयल चक लिया तो वैपोरेटर दे विच गया, कंप्रैसर दे विच ऑयल नहीं हैगा, तो ये उस कंप्रैसर नूं बंद कर देवेगा। क्यों? जे खाली कंप्रैसर बिना ऑयल तो चले तो कंप्रैसर जल भी सकता, तो बहुत इशू आ सकते हैं। दैन ये भी अपना एक साउंड वाल लगा हुआ, इसनों कहते हैं सी आई सी। सी आई सी फुल फॉर्म मैं थानू बाद पूरी एक्सप्लेन एक्सपेल करा, बट ये यदा काम की आ, जे कंप्रैसर का हैड बद रहा तो उसने की करना, उसनों ठंडा करने लिए आ लीकुअड लाइन के एक पाइप लाया हों कि कंप्रैसर का हैड ठंडा रहे, ठीक है जी। तो सैकेंड गल योग कहते होंगे डिस्चार्ज सैक्शन लीकुअड पाइप कि आ जाता हूँ, तो उन्होंने थानू दसिया जाऊगा जोड़ा कंप्रैसर के उपर लगा हों पाइप, ये हमेशा डिस्चार्ज पाइप हों। डिस्चार्ज पाइप सीधा कंडैसर के जाता, कंडैसर के जोड़ा निकल के नीचे अपनी ट्यूब के होकर जो इतने आता, इतों बाद अपना बनता लीकुअड पाइप, ये सारा लीकुअड जाता हों, लीकुअड जाता, ठीक है जी। तो डिस्चार्ज सैक्शन अपना सैक्शन पाइप हों अपना मोटा पाइप, इनू सैक्शन पाइप कह जाता वा, ठीक है जी। तो जे थानू होर भी कोई इनफॉर्मेशन चाहिए आ, जे कोई प्रॉब्लम पै रही है कंप्रैसर के वाइपरेटर के किसी तरह की प्रॉब्लम पै रही, कूलिंग नहीं हो रही, तो तुम मैं नीचे कमेंट करके दस सकते हो, तो थानू उत्ते मैं एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो प्लीज़ जाते जाते लाइक तो शेयर तक कमेंट करके जरूर जाओ मेरा वीर, ठीक है जी। ओके जी।